ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक शातिर बदमाश घायल हो गया। पकड़े गए बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ग्रेटर नोएडा बीटा 2 कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जब पुलिस रूटीन चेकिंग अभियान कर रही थी, तभी पुलिस को दो लोगों के द्वारा एक कार चोरी करते हुए देखा, जिस पर बदमाश पुलिस को देख कर भागने लगे। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और होंडा गोल चक्कर के पास बदमाशों को घेर लिया। बदमाश अपने आप को घिरा हुआ देखकर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि घायल का दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि घायल बदमाश की पहचान दुष्यंत के रूप में हुई है। थाना बीटा क्षेत्र में जनता फ्लैट पड़ता है, AWHO चौकी क्षेत्र में। वहाँ पर जब हमारी पुलिस पार्टी गश्त कर रही थी, तो उनको एक व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जो एक सेंट्रो गाड़ी खोलने का प्रयास किया कर रहा था। पुलिस को देखते ही वो वहाँ से मौके से भागने लगा। पुलिस उसका पीछा करने लगी। पीछा करने के उपरांत अलग अलग जगह हमने चेकिंग लगवाई थी। उसी बीच उसको होंडा चौक क्षेत्र के पास उसको पुलिस द्वारा इंटरसेप्ट किया गया। उस गाड़ी में दो व्यक्ति सवार थे, जिन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग मारी। आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस बल ने भी अपने रक्षा के लिए जो बदमाश थे उनके ऊपर फायर मारा, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है और एक गाड़ी बरामद हुई है, सेंट्रो गाड़ी है। दूसरा बदमाश मौके से फरार हो रखा है।